अस्सलाम वालेकुम मैं YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। रुकैया ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जी ईद गुजर गई ना, कैसी गुजरी आपकी ईद? आई होप अच्छी गुजरी होगी और माशाल्लाह से हमारी भी अच्छी गुजरी है। ये मैं ईद के बाद आपको फिर से मैक्स ले आई हूँ। यहाँ पे कोई कपड़े वपड़े की शॉपिंग नहीं है, आज फुटवेयर की शॉपिंग है, वो भी स्कूल शूज़ की। और स्कूल शूज़ की शॉपिंग करने गई है, मैं इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं करती अपने लिए, बस जब ज़रूरत होती है तभी जाती हूँ। ये मैक्स में इसलिए लाई हूँ क्योंकि मैक्स की चीज़ें बहुत अच्छी होती है और मैक्स की चीज़ें मुझे इतनी पसंद आती है क्वालिटी वाइज, कलेक्शन वाइज, और मुझे इतनी अच्छी लगती है। कुछ लोग मॉल्स वगैरह या फिर ब्रांड्स वगैरह देख करके इसलिए नहीं जाते, सोचते कि प्राइसेस बहुत हाई होंगी, हमारे बजट से बाहर होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा मैं पहले सोचती थी लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे हम लोग मार्केट में किसी शॉप में जाते हैं ना किसी चीज़ की, जिस तरह से हम लोग प्राइस देते हैं, ये बिल्कुल प्राइस वैसी ही होती है। थोड़ी सी अगर हाई भी हुई तो क्वालिटी वाइज हमें वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रांड तो ब्रांड ही होती है। तो यहाँ पे मैंने नवाज के स्कूल के शूज़ लिए और लकीली आज जो 599 के शूज़ थे ना वो मुझे सेल में 349 की मिल गई। देखिए लक, तो क्वालिटी वाइज भी ये बहुत अच्छी मिली। और नवाज की तो वैसे मैं बाटा से ही लेती हूँ, इस बार मैंने मैक्स से लिया। मैंने सोचा चलो कि यहाँ से इस बार ट्राई करते स्कूल शूज़। और जाते जाते मैं यहाँ पर रुक गई थी ये देखने के लिए कि जो फुटवेयर थे वुमेंस कलेक्शन इतनी प्यारी प्यारे आए हुए थे ना, मैंने सोचा अगर ईद के टाइम ये आए हुए थे तो मैं तो 3 और 4 पीसेस यहाँ से उठा ही लेती। कलर्स वाइज, डिज़ाइन वाइज कलेक्शन इतनी प्यारी थी ना, और सारी रेंजेस जो थी 1000 के अंडर थी, 999। ये देखिए कलर्स देखिए अब कितने प्यारे हैं, किस को प्यार नहीं होगा इससे। 999 की प्राइजेस थी, सब की 999 प्राइजेस थी, और कलर्स इतने प्यारे प्यारे थे और वैसे ही डिज़ाइन थे जैसे मुझे चाहिए थे। यार मैंने इतने ढूंढे कमला नगर में, और प्राइजेस अब बताऊँ कमला नगर में मैंने खुद पूछे, उसमें 2500-3000 के ये शूज़ पूछे, और जो मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं सिर्फ 1000 में, उसके अंडर 999। तो 999 पे ज़रूर करते हैं, 1 रुपीज़ जो होता है हम हमेशा मैक्स में डोनेट कर देते हैं, डोनेशन के लिए पूछते हैं 1 रुपीज़, तो हम 1 रुपीज़ हमेशा डोनेशन ही कर देते हैं। खैर ज़कात तो हम लोग देते ही हैं, तो 1 रुपीज़ डोनेशन वही हो गया। तो जी ये देखिए ब्लैक वाला जो है ना, मैं ऐसा ही ढूंढ रही थी ब्लैक वाला, अब जाके मुझे मिला है। तो यहाँ पर ट्यूनिक्स भी मैंने देखे पर मुझे उतने खास नहीं लगे इसके डिज़ाइन, लेकिन जो नीचे टॉप्स आए हुए थे ना गर्ल्स के टॉप्स, वो ऑसम थे। मैंने कशिश को आके बताया कि बहुत ही अच्छे टॉप्स आए हुए थे ईद के टाइम, ऐसे टॉप नहीं थे। यहाँ पे देखो नवाज बदमाशी करके अपनी वाटर बोतल की क्लिप्स ले रहा था। वाटर बोतल मैं तो उसको खरीद के देने वाली हूँ ने, क्योंकि बहुत सारे वाटर बोतल्स उसने मिसप्लेस कर दिए स्कूल में, हर रोज़ वो बोतल्स छोड़ के आता है। लास्ट टाइम उसने अपने मिल्टन की बोतल खो दी, इसलिए अब मैं उसे बहुत ही सस्ती सी एक कैजुअल सी बोतल देती हूँ, क्योंकि वो हमेशा बोतल जो है खो देता है। तो बच्चों को अगर हम बार बार इस तरह से नई नई चीज़ें दिलाते रहें तो उनकी आदत भी बिगड़ जाती है, इसलिए मैंने कभी उसको पेप्सी की बोतल भी दी है। हेलो जी फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं मैक्स से। मैक्स से हमने हमेशा आउटफिट्स वगैरह लिए, कपड़े लिए हैं, जूते यानी फुटवेयर कभी नहीं लिया है। पहली बार मैं जूते लेके आई हूँ नवाज के स्कूल का शूज़, क्योंकि मैं उस बार जब ड्रेस लेने गई थी तब मैंने देखा था वहाँ पे फुटवेयर थे जिसमें 10% डिस्काउंट थे अगर आप शॉपिंग करो वहाँ से। तो मेरे पास 2 वाउचर पड़े थे लेकिन वो अभी इनवैलिड हो गए, क्योंकि हो गए 8 दिन, जैसे 1 हफ्ते का टाइम होता है। लेकिन लकीली ये मुझे और सस्ते में मिल गया, 599 का रेट था जो मुझे 349 में लकीली मिल गया। ये देखिए ये शूज़, उसके पिछले वाला शूज़ जो था मैंने आपको दिखाया था किसी व्लॉग में, मैंने बाटा से लिया था, और बाटा वाला जूता भी उसने नहीं छोड़ा। बाटे वाले के वो मतलब टेनिस वगैरह खेलता है और पता नहीं क्या आदत है उसकी ना, इस तरह से पैर से मारता है, लात मारता है और जूते को ठोकता है, तो आगे से उसका होल हो गया। जूता बिल्कुल सही है बाटा का, तो आपको पता ही है क्वालिटी कितनी अच्छी होती है। तो मैक्स की भी क्वालिटी की अच्छी क्वालिटी होती है मैक्स के कपड़ों की। जूते के बारे में मुझे नहीं पता, इस बार फर्स्ट टाइम मैं यूज़ करूँगी ये जूता, मेरा बेटा यूज़ करेगा और उसके पैर में चल गया, मतलब क्वालिटी अच्छी है। तो मैं आपको बताऊँ कि कैसा रहा ये जूता, आपको मैक्स से लेना चाहिए फुटवेयर या नहीं, मैं ज़रूर बताऊँगी।